बिलासपुर जिले के कोटा रेंज के करपीहा गांव के पास शुक्रवार की देर शाम वन विकास निगम ने सागौन की तस्करी कर रहे सागौन समेत दो लोगों को पकड़ा है, जिसके पास से चार नग सागौन की लकड़ी भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 14,000 रुपए आंकी जा रही है। करपीहा मुख्य मार्ग में दुआरी के पास सागौन लकड़ी की तस्करी करते दो आरोपितों को वन विकास निगम ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी अमित खांडे, मोहित विश्वकर्मा, ये दोनों लमकेना के रहने वाले हैं। वहीं कोटा वन विकास परिक्षेत्र के अधिकारी अभिनंदन गोस्वामी ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ वन प्राणी सुरक्षा एवं वन सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वन विकास निगम अमला एवं सुरक्षा समितियों की नजर चार पहिए पर रहती है। वन ग्राम इलाकों में संदिग्ध बड़े वाहन में घूमते ही विभाग के रडार में आ जाता है, इसलिए तस्करों ने पैदल ही भारी भरकम लकड़ी को ले जाने का साहस कर लेते हैं। पिछले कई महीनों से तस्कर जंगल इलाके में अवैध कटाई करने लोगों के संपर्क में थे, लगातार इसी तरह चकमा देकर कीमती सागौन की तस्करी करते थे, इस बार दबोच लिए गए। वन विभाग निगम की इस कार्रवाई से लमकेना आसपास गांव के तस्करों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन कर्मी मिलीभगत होने के कारण और है जंगल साफ। बिलासपुर कोटा से जितेंद्र भास्कर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यूं ही छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।